टीम इंडिया के युवा टेस्ट कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। कप्तानी मिलने के बाद उनके खेल में भी गजब का निखार देखा गया। ये हम नहीं बल्कि दो साल पहले टीम की कमान संभालने वाले कोहली के आंकड़े कह रहे हैं। कोहली ने अब तक कुल 16 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिनमें 9 मैचों में टीम को जीत मिली है, सिर्फ 2 गंवाए, जबकि 5 ड्रॉ रहे। कप्तान के तौर पर अपनी सरजमी पर वो एक भी टेस्ट नहीं हारे हैं। विराट कोहली का मानना है कि एक अच्छा कप्तान वही होता है जो बिना नतीजे की परवाह किए हिम्मत भरे फैसले ले। और कोहली ने बताया कि उन्होंने इसकी प्रेरणा कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से ली है। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने पूर्व टेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ भी की। कोहली ने धोनी को एक निडर कप्तान और उनका रोल मॉडल बताया। कोहली ने कहा कि वो खुद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के कायल हैं। कोहली ने कहा, मैंने धोनी से बहुत कुछ सीखा है। आपके फैसले सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उन पर डटे रहने के लिए साहस चाहिए और यही कप्तान की निशानी है। कोहली का मानना है कि कप्तानी की जिम्मेदारी ने उन्हें बेहतर क्रिकेटर बनाया है। उन्होंने कहा, देश की टेस्ट टीम का कप्तान होना फक्र की बात है, मुझे इस पर गर्व है। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुझे बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद मिली। कोहली के मुताबिक वो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बनने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कप्तानी मिलने के बाद वो और ज्यादा अच्छे क्रिकेटर बने हैं।